हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम नीट का, जो आपका एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस दोनों में, ऑफलाइन तो अभी चल नहीं रही है, तो दोनों में जो है बच्चे हमसे काफ़ी बार ये पूछते हैं, मतलब दिस इज़ अ वेरी रिकरिंग क्वेश्चन कि सर मोटिवेटेड कैसे रहें। तो इसीलिए मैंने सोचा था, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं दैट आई शुड मेक अ वीडियो विच कवर दिस पॉइंट स्पेसिफिकली कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन कैसे आप रख सकते हैं और मोटिवेशन रखने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मोटिवेशन तो हमें पता है सबको क्या होता है, बट मोटिवेशन रखा कैसे जाए, मुझे लगातार मोटिवेशन कैसे रखना है, आप मैं कैसे मोटिवेटेड रहूं अपने आप से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या जिनको मैं कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे एक्सरसाइज होता है कि आपने बॉडी बनानी है तो आपने एक्सरसाइज कर ली, तो आपको पता है कि रोज जाके मैं अगर 20 मिनट भी एक्सरसाइज कर लूंगा तो मेरी बॉडी फिट रहेगी। पर क्या मोटिवेशन का भी ऐसा कोई तरीका होता है? इज देयर अ वे कि मैं कम से कम टाइम में अपना मोटिवेशन रख पाऊँ, ठीक है? तो उसका ही वही चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक वीडियो बनाया, उसमें 5 पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आप अपने मोटिवेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? पर सबसे बड़ी शर्त यहाँ पर दो, एक ही है कि आपको जो है ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन किया और फिर सोचा कि अरे मेरा मन नहीं कर रहा अब मैं नहीं करूँगा, ठीक है? मतलब वो मोटिवेशन उतना आपको अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, क्योंकि उतना सा धक्का अगर आप दे सकते हैं तो ही आप इसको कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मोटिवेशन के जो चीज़ें हैं ये बहुत आपका कम टाइम खाएंगी, मुश्किल से 2 या 5 मिनट दिन भर में, ठीक है? अगर आप उतना 5 मिनट भी नहीं दे पा रहे हो अपने मोटिवेशन को अच्छा रखने के लिए, अपने नीट को आगे बढ़ने के लिए, तो आई एम नॉट श्योर कि फिर हम क्या कर सकते हैं और बेटर इससे कम टाइम में और करना, मतलब मुझे ऐसी कोई टेक्निक नहीं पता है। मुझे ये टेक्निक जो है मेरे प्रोफेसर, जो मैं कॉलेज में था IIT में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ये बताई थी, साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स ने, कि ये चीज़ें आप कर सकते हो और ये एक्चुअली में वर्क करती है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद भी जानते हैं पहले से, पर इसको कैसे हम यूज़ करें या फिर कौन सी टेक्निक से जो हम कम से कम टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं, तो वही मैं आज आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप ही नहीं, कोई भी यूज़ कर सकता है आपकी लाइफ में मोटिवेशन के लिए, ठीक है? तो सबसे ज़रूरी पॉइंट कि इसको आपको पूरा करना है, ये एक डॉक्टर के कोर्स की तरह है, ठीक है, दवाई की तरह। तो आपको अगर 7 दिन की दवाई दी जाएगी तो आपको 7 दिन तक लेना है, तब आप बात करिए कि उसका रिजल्ट आया कि नहीं। अगर आपको 20 दिन की दवाई दी, आप 4 दिन ले लो और फिर कह दो कि फायदा नहीं हुआ, इस तरह चीज़ें नहीं वर्क करती हैं, हाथों हाथ नहीं रिजल्ट आएगा किसी भी चीज़ का। अगर ऐसा होता तो फिर नीट की तैयारी आप 4 दिन पहले शुरू कर दो और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? क्यों क्यों साल भर 2 साल तक हम तैयारी करते हैं? क्योंकि 2 साल तक हम उसकी मेहनत करते हैं तब उसका रिजल्ट आता है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको इसको पूरा कोर्स को करना, कोर्स इन द सेंस पूरा टाइम जो आपको लेना है जितना आपको बोला गया है, उसके बाद ही आप रिजल्ट देखिए और आपको दिखेगा रिजल्ट आता हुआ, ठीक है? तो सबसे पहले और सबसे सिंपल चीज, ठीक है, ये बहुत ही एक बेवकूफी वाली बात भी लग सकती है कुछ लोगों को, पर ऐसा नहीं है। आपका दिमाग एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको कहा जाता है कि जो उसको बताया जाएगा वही वो असलियत मान लेगा, ठीक है? जैसे कि एक बहुत ही फेमस इंसान है ब्रूस ली, अगर आप उनको जानते हैं, तो ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि कभी भी किसी के बारे में भी गलत मत बोलो, गंदा मत बोलो, और खास तौर पे अपने बारे में मत बोलो, क्योंकि आपके दिमाग को डिफरेंस नहीं पता कि जो आप बोल रहे हो वो मीन करके बोल रहे हो या बिना मीन किए बोल रहे हो। कुछ लोगों को लग सकता है कि मुझे तो पता ही होता है कि मेरा मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। जी नहीं, आपके दिमाग में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और जो सबसे बेसिक आपका दिमाग होता है, जैसे आपको अगर ये हमारा लोगो भी दिख रहा है तो इसमें 4 पार्ट, तो आपको जो पता है वो आपके दिमाग का एक ही पार्ट है। हमारे दिमाग का एक छोटा हिस्सा भी होता है, या छोटा या कह लीजिए पुराना हिस्सा होता है, जिसको हम एनिमल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है? एनिमल ब्रेन वो पार्ट है आपके दिमाग का जो आज भी एक जानवर की तरह ही सोचता है। और जानवर क्या है कि अगर उसको बताया जाएगा कि भाई, जैसे आप वो कहीं, आपका कोई डॉग है, कुत्ता है, या कोई भी आपके पास जानवर है, अगर वो कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे मारने पीटने लगोगे या उसको बार बार बताओगे कि यहाँ नहीं जाना, ये सेफ नहीं है, तो वो धीरे धीरे वहां जाना छोड़ देगा, वो सीख लेगा कि मुझे ये नहीं करना है। उसी तरीके से आप अपने दिमाग को जब भी अपने बारे में भी बुरा बोलते हो कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मेरे अंदर ये दिक्कत है, मेरे अंदर वो दिक्कत है,
तो वो चीज आपका दिमाग पकड़ लेता है और उस चीज को वो अब्जॉर्ब करता रहता है, चाहे आपको लगे कि नहीं हो रहा है। वही मैंने कहा ना, एक दिन की दिक्कत नहीं है, एक दिन में प्रॉब्लम नहीं होती, बात सारी हैबिट की है कि आप अपनी हैबिट क्या लगाते हो। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल हमारे जो प्रोफेसर देते थे कि आपको अगर एक दिन डिसीजन लेना है कि पानी पीना है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आप कहोगे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, एक दिन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है एक दिन। और यही हम अपने आप को भी कहते हैं, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा, प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हर दिन वही डिसीजन लेते लेते एक हैबिट बना लेते हैं और हमारी बॉडी को लत लग जाती है उस चीज की। तो लत आपको सही लगानी है कि गलत, ये आपको चूज करना है, ठीक है। अब इस सब का यहां से क्या रिलेशन है, रिलेशन यही है कि अपने अपने दिमाग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, रीइंफोर्समेंट यानी अपने दिमाग को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना है, अपने बारे में अच्छा अच्छा कहना है। उसका सबसे सिंपल सबसे अच्छा तरीका है 30 सेकंड्स के लिए सुबह खड़े हो जाओ एक सुपरमैन पोज में, ऐसे करके अपनी चेस्ट को बाहर निकालते हुए अपने कंधों को पीछे लेके और पूरा ऐसे, जैसे जिम जाने के बाद 5 मिनट बाद लगता है ना कि बॉडी बन गई, जाकर के कांच में देखते तो आपको अच्छा लगता है, चाहे उसमें कुछ नहीं हुआ आपके ऊपर पर आपको अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और उसको देखने से आप बार बार जिम जाते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है देखना कि हाँ मैं पॉजिटिव फीलिंग में आ रहा हूं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है पर ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका। अगर आप सुबह उठो और सबसे पहली चीज आप ये करो कि आप एक खड़े होकर अच्छे से एक सुपरमैन पोज हो 30 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, जो भी आपको मतलब टाइम एक हो उतना टाइम देकर के ये करो, इससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पर पहली बात और आखिरी मतलब बार बार कह रहा हूं कि एक दिन में नहीं होगा, ये मत सोच लेना कि एक दिन में खड़ा हुआ और कि अरे सर आपने बोला था और मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये एक हैबिट की बात है, उसको आपके दिमाग को अब्सॉर्ब करने का टाइम चाहिए, ठीक। तो आपको टाइम लगता है उस हैबिट को लेने में। तो ये है सबसे पहली और सबसे सिंपल ट्रिक, 30 सेकंड सुपरमैन या सुपर वुमेन पोज, ठीक है, दोनों जो भी है, लड़का हो लड़की हो, आप दोनों कर सकते हैं। सेकंड, 3 things यू कैन थैंक फॉर, ये भी एक बहुत ही छोटा बहुत ही सिंपल चीज है और ये 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेता। इसका मतलब क्या है, इस चीज में आप करते हो कि आप अपनी लाइफ में जनरली, अच्छा इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो हमारा दिमाग इन जनरल 70% नेगेटिव बातें सोचता है और 30% पॉजिटिव बातें सोचता है। ये इन जनरल हमारी टेंडेंसी है क्योंकि हम जहां से निकले हैं या हम जिस इंसान जब हम पैदा हुए थे, हमारा जो पूरा एक कबीले वाला सिस्टम था, तो वहां पे हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था कि कहां से कब कौन आ सकता है, कहां से कौन मुझे मार सकता है। अब हमें वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, पर जैसा कि मैंने कहा अभी भी हमारा ब्रेन एक एनिमल ब्रेन है तो वो अभी भी नेगेटिव थॉट्स पहले लाता है कि ये चीज गलत है, ये चीज ऐसा हो सकता है। सुबह उठते ही अगर आप एक पॉजिटिव थॉट नहीं लाते अपने दिमाग में तो हो सकता है कि आपका पूरा दिन जो है आपकी प्रोडक्टिविटी उससे बिगड़ जाती है, ठीक है। मतलब स्टार्ट करते हैं ना तो एक अच्छे उस पर टोन पे करते हैं, जैसे कि हम जब कभी घर बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं तो पहले गणेश पूजा होती है, भूमि पूजन होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि शुरुआत एक अच्छे नोट पे हो, ठीक है। यही चीज को ध्यान में रखते हुए एक तो सुपरमैन पोज, उससे भी पहले आपको करना क्या है, 3 चीजें सोचनी है जिनके बारे में या जिनके लिए आप सच में भगवान का शुक्रगुजार करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये 3 चीज भगवान को या जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, उसके उसको आप एक तरह से थैंक यू बोलना चाहते हो कि ये 3 चीजें आपने मुझे लाइफ में दी, इनके लिए थैंक यू। अब वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आप अच्छे घर में पैदा हुए ये हो सकता है, आपके पास भाई बहन है आपके उनके लिए हो सकता है, अच्छी फैमिली हो सकती है, कोई भी 3 चीजें, ठीक है। इन 3 चीजों से आपको एक इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आपका आएगा दिन भर के लिए जो आपको, और वही बात है कि एक दिन में नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव ब्रेन में कन्वर्ट कर लोगे जो अच्छा सोच रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं हुआ तो, तैयारी नहीं हुई तो, ये चैप्टर छूट गया तो, वो फिर सोचेगा कि यार करना है ये होगा। जैसे कि अगर आप यहां पढ़े कि यू कैन रिवायर योर ब्रेन टू बी हैप्पी बाय सिंपली कॉलिंग 3 things यू आर ग्रेटफुल फॉर 21 days, तो ये चीज कम से कम आपको 21 दिन के लिए करनी है। और ये 21 दिन आपने बहुत बार सुना होगा क्योंकि 21 दिन में आपको आदत पड़ जाती है किसी भी चीज, तो यही चीज आपको करना है, एक आदत डालनी है, ठीक है, हैप्पी रहने की, दिमाग को एक हैप्पी नोट पे शुरू करने की। और ये 3 चीजें सेम रखी है
रोज इन्हीं तीन चीजों के लिए थैंक करिए सुबह उठकर, तो ये आपका 10 सेकंड भी नहीं लेंगी, तो टाइम बिल्कुल नहीं जाएगा पर मजा आ जाएगा, ठीक है, जीने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। नंबर 3, स्टे मोटिवेटेड बाय अ रिवॉर्ड सिस्टम। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अच्छा लगता है कि जब भी आप कुछ काम करते हैं उसके बदले में अगर आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि आपकी तारीफ होती है या आपको कुछ जो चीज आपको पसंद है वो आपको दी जाती है, जैसे आपने घर में कुछ काम किया तो आपकी मम्मी ने आपका पसंद का खाना बना दिया, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, अगर आपने क्लास में अच्छा परफॉर्म किया तो सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है नीट में, प्रॉब्लम क्या है कि आप आज खड़े हैं, ठीक है, जैसे कि आज अभी चल रहा है फर्स्ट में, ठीक है, और आपका एग्जाम है, मान लीजिए आज आप शुरू कर रहे हैं अपनी नीट की तैयारी 2 साल बाद के लिए, और आपका एग्जाम है अभी 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है, ठीक है, और आपका एग्जाम है 2023 में। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो रिवॉर्ड है, मतलब जो आपको मिलने वाला है, वो 2 साल बाद है, और आजकल के लोग जो है, स्पेशली बच्चे जो है, उनको रिवॉर्ड हाथों हाथ चाहिए। जैसे सोशल मीडिया पे होता है ना कि पोस्ट डालो तो लाइक्स आने चाहिए हाथों हाथ, जैसे आपने किसी फ्रेंड को हेलो हाय भेजा तो हाथों हाथ रिप्लाई आना चाहिए, वरना आपको फिर आपका मोटिवेशन गिर जाता है। तो आप अगर इतना दूर का एक मोटिवेशन जो है, 2 साल बाद का मोटिवेशन, जनरली लोग नहीं रख पाते, उनको वो दिखता ही नहीं है कि ये चीज हो भी सकती है 2 साल बाद होते हुए। इसीलिए ठीक है, पहले के लोगों के लिए थोड़ा आसान था, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ी सी एक अनफेयर चीज है कि आज आपकी जो दुनिया है उसके हिसाब से आपको मोटिवेशन बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है, ठीक है, अभी किया तो अभी मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो 2 साल बाद का तो मैं आपसे पूछ ही नहीं सकता कि भाई आप मोटिवेटेड हो क्या, कैसे मोटिवेटेड हो, जो चीज आपको पता ही नहीं है, दिख ही नहीं रही है, जिसका कुछ सर पैर नहीं है अभी आपके दिमाग में कि ये चीज पॉसिबल भी है नहीं है, लाइफ में पहली बार कर रहे हो, तो इसीलिए क्या किया जाता है या क्या आपको करना चाहिए, वो है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखो छोटे रिवॉर्ड से, मतलब अपना गोल 2 दिन का बनाओ, और ठीक है 2 दिन 1 दिन जो भी आपको सही लगे, 1 day 2 day टारगेट, ठीक है 2 day टारगेट। अब सिर्फ टारगेट रखना ही काफी नहीं, अब कुछ लोग होंगे कि कहेंगे सर ये तो हमें पता है टारगेट से कुछ नहीं होता, टारगेट के साथ आपको चाहिए होता है रिवॉर्ड, यानी अपने आप को कुछ जरूर दो ऐसी चीज जो आपको खुद को अच्छी लगती है, ठीक है, पर उसको कभी भी मत करो। जैसे कि मान लो बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे जैसे एक मान लीजिए खास तरह की चीज है वो मुझे खाना पसंद है, ठीक है बिरयानी मान लीजिए, वैसे मैं नहीं खाता हूं बट एग्जांपल की, तो बिरयानी जो है वो आपको खाना पसंद है। अब आप रोज क्या करते हैं, कभी भी मन किया चले गए बिरयानी खाने, ठीक है, या चॉकलेट खाना हो गया, या सीसीडी में कॉफी पीना हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है एनीथिंग, वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, या किसी दोस्त से मिलना है जिससे आपको मिलना बहुत पसंद है, तो आप कभी भी मत करने दीजिए अपने आप को, उसको एक रिवॉर्ड बना लीजिए कि मुझे 2 दिन में अपने ये टास्क पूरे करने हैं, उसके बाद ही मैं ये रिवॉर्ड अपने आप को दूंगा, और वो रिवॉर्ड जरूर दीजिए अपने आप को जब भी आप अपना जो टारगेट है वो पूरा करें। अगर टारगेट पूरा नहीं करते तो रिवॉर्ड मत दीजिए, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अपने ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी, बी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा बी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ फॉर सम टाइम, ठीक है थोड़े दिन के लिए अगर आप स्ट्रिक्ट हो गए, इसका रिवॉर्ड आपको जिंदगी भर मिलेगा, ठीक है सिर्फ अभी के लिए नहीं जिंदगी भर, क्योंकि ये जो छोटे छोटे रिवॉर्ड होते हैं ये आपको अपनी अपनी मंजिल की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है कहना कि यार लंबी जर्नी उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लो, बट तोड़ेंगे कैसे, तो उसका सबसे सीधा तरीका है कि कोई एक अच्छी चीज पकड़ो जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है, और अपने आप को थोड़ा उसको करने से रोको, ठीक है, और उसको एक रिवॉर्ड बनाओ कि ये काम पूरा होगा तब इस चीज को किया जाएगा। जैसे स्कूल में होता था ना कि साल भर आप अच्छा पढ़ लोगे तो आपको साइकिल मिलेगी या वीडियो गेम मिलेगा या जो भी, पर आजकल के बच्चों के लिए वो साल भर भी बहुत लंबा टाइम है, वो साल भर का मोटिवेशन रखना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है, तो अपना मोटिवेशन और छोटे पीस में करो, 2 दिन में, हफ्ते भर में, जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है, पर वो चीज करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो रिवॉर्ड सिस्टम बहुत जरूरी है, अपने आपको वेल डन करिए, अपने आपको अपना अपनी पीठ थपथपाइए जरूर करिए, पर जब आपका टारगेट पूरा हो सिर्फ तब, इससे आपका दिमाग रीइंफोर्स होगा कि ये चीज मैं करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। पॉइंट 4, सबसे जरूरी, हमेशा याद रखिए आप ये क्यों कर रहे हैं। अब अभी अभी मैंने कहा कि आप जो है
दूर लंबे दूर का टारगेट नहीं याद रख सकते। और अभी मैं कह रहा हूं कि लंबे दूर का टारगेट आपको याद रखना है कि आपने शुरू क्यों किया था। देखिए, ज्यादातर लोग जो शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है, ये आपका एम है, डॉक्टर है या फिर फैमिली का पहला डॉक्टर है, ठीक है, फैमिलीज फर्स्ट डॉक्टर या मोहल्ले का पहला डॉक्टर है या फिर जो भी है आपका एक जो ड्रीम होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका ये जो एम है डॉक्टर का वो हट जाता है और बचता है कि मुझे एग्जाम निकालना है। अब आपका मोटिवेशन एग्जाम है। एग्जाम आपका दुश्मन नहीं है या एग्जाम आपका दुश्मन या फिर वो नहीं है, एग्जाम है सिर्फ आपको पार पहुंचाने के लिए, एक तरह से आपको टेस्ट करने के लिए। तो अगर आप अच्छे हो तो एग्जाम आपको नहीं रोकेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मतलब एक मेरा टेस्ट होने वाला है कि यार मैं अगर 6 फुट का इंसान है तो ही वो मान लीजिए आर्मी में ज्वाइन कर सकता है, तो अगर मैं 6 फुट का हूं तो मुझे क्यों रोकेगा टेस्ट, ठीक है। तो एग्जाम आपको रोकने के लिए नहीं है, एग्जाम तो बल्कि आपको जाने देने के लिए है कि अगर आप वर्दी हो, अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आप डॉक्टर बनने लायक हो तो एग्जाम आपको क्यों रोकेगा। एग्जाम तो बल्कि आपको जाने के लिए ही रखा है, वो रखा उनके लिए जाता है जो अभी उसके लिए तैयार नहीं है। तो आपको ये क्यों सोचना है कि आप तैयार नहीं है, आप सोच के चलिए कि आपको बनना क्या है। आपका जो मेन एम है वो है डॉक्टर बनना। अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, अगर आपका गोल ही वो है, जैसे कि एक आपने कभी कहानी सुनी होगी कि आपने हर्डल्स रेस के बारे में सुना होगा कि एक आदमी होता है वो ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे हर्डल्स लगे होते हैं, इनको क्रॉस करके भागना होता है और यहाँ पे फिनिश लाइन होती है, ठीक है। ये अर्जुन का आपने सुना होगा कि उसको सिर्फ है ना चिड़िया की आंख ही दिख रही थी, वो बाकी चीजें नहीं देख रहा होता, ठीक है। तो अगर आप हर्डल को देखकर भागोगे तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है और वो हर्डल आपको स्लो कर देगी, ठीक है, अगर आप हर्डल को देख के भागोगे। जो रनर होते हैं वो फिनिश लाइन को देखकर भागते हैं, उनको क्या दिख रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद एग्जाम है नहीं हुआ होगा वो सब आपका काम नहीं है, आपका काम पढ़ करके अपने आप को उस काबिल बनाना है। अगर आप काबिल हो तो एग्जाम निकल जाएगा अपने आप, ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। जो इंसान फिनिश लाइन को देख के भागता है ना उसको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप क्रॉस कर लेता है उन चीजों। जैसे आपको चलते वक्त अब सोचना नहीं पड़ता क्योंकि अब आप अपने कदमों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप देखते हो बस कि मुझे कहाँ जाना है और आपके कदम अपने आप चलने लगते हैं। उसी तरीके से अपना एक मोटिवेशन हमेशा रखो बैक ऑफ द माइंड कि आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हो या किस चीज के लिए शुरुआत की थी, डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। एग्जाम नहीं, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ आंख दिख रही है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना धीरे धीरे आपको जो दिख रहा है उसको धीरे धीरे हटाते जाइए और सिर्फ जो आपका एम है डॉक्टर बनना उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पांचवी एडवाइस बहुत जरूरी, इसको बहुत लोग ओवरलुक करते हैं, हेल्दी डाइट और नींद। मोटिवेशन बढ़ाने का या डिप्रेशन से या सैड थॉट से बाहर आने का सबसे अच्छा इलाज है अच्छा खाना या अच्छी नींद। फिर मैं कहूंगा ये आपको बैलेंस करना है। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं कि जो आपको अच्छा लगे हमेशा खाते ही रहो, ठीक है, तो फिर आप अपने वो रिवॉर्ड सिस्टम कैसे बनाओगे। पर यही तो मैं कह रहा हूं, यही आपको एक लूप बना लेना है कि आपको अच्छा खाना और अच्छी नींद के लिए आपने आप एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाया कि मैं इस चीज को पूरा करूंगा फिर इसके बाद मैं ये खाऊंगा या फिर मैं इतना सो सकता हूं पहले मैं इतना पढ़ लूं। तो एक रिवॉर्ड सिस्टम आपका एक लूप बन जाता है कि इतना काम करोगे उसके बाद इतनी नींद मिलेगी, तो आपको अपने आप रिवॉर्ड सिस्टम मिलेगा, धीरे धीरे आप उस चीज को एक लूप में ले आओगे और फिर ये चीज रोज होने लगेगी, आपके टारगेट रोज मीट होने लगेंगे और रोज आप फिर वो कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है अभी कि हम सोचते हैं एक दिन नहीं करते हैं तो क्या, तो आपका दिमाग इस चीज को बार बार पढ़ता रहता है कि यार मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, लैग हो रहा है, और वो लैग या जो पीछे का आपका पूरा एक बैग बन जाता है जिसमें आपका छूटे हुए टॉपिक्स होते हैं वो इतना भारी हो जाता है कि फिर आपका मोटिवेशन और खत्म हो जाता है। तो उस बैगेज को हटाने का एक बहुत अच्छा सबसे सिंपल तरीका है अच्छी डाइट, ठीक है। अगर आप बाहर रहते हैं हॉस्टल्स में तो स्पेशली ये ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि घर पे तो फिर भी आपकी डाइट मेंटेन की जाती है। अच्छा, हेल्दी डाइट का एक मतलब ये नहीं होता कि भैया घर पे खाना मिल रहा है तो बहुत खा लिया। हेल्दी का मतलब होता है लिमिटेड खाना, ठीक है, कि आपको जितना खाना है उतना ही खाओ। आपको 3 रोटी खानी है तो वही खाओ, घर पे बन रहा है तो 6 खाने की 7 खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना खाओ। और एक और जरूरी चीज,
खाने को पीसेस में खाने की कोशिश करो कि सुबह ब्रेकफास्ट है वो हैवी कर लिया, दिन में लंच है वो लाइट और रात में सबसे लाइट। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हॉस्टल्स में ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, हमें लगता है कि पेट में पूरा खाना नहीं जाएगा तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो, नहीं, आप खाना उस तरह रखिए प्लस फ्रूट्स के साथ उसको बैलेंस करिए। ठीक है, या फिर घर पे हैं तो डाइट को कंट्रोल में रखना शुरू करो कि इतना ही खाना है, यहाँ पे मुझे अपने आप को कट ऑफ कर लेना है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो नींद ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब आप इसका मतलब, और मैं अभी कह रहा हूँ कि नींद भी आपको लेनी चाहिए, नहीं, नींद भी ओवरबोर्ड जाके नहीं लेनी है, नींद का साइकिल सही से रखिए। आपको 1.5 घंटे के साइकिल में नींद आती है, इनटू एन, मतलब आपकी नींद 1.5 घंटे के क्वांटाइजेशन में चलती है। क्वांटम पढ़ा है ना हमने कि एक पार्टिकल उसके एन नंबर में ही आपको कोई चीज मिलेगी, तो उसी तरीके से नींद भी आपकी क्वांटाइज होती है। ठीक है, 1.5 घंटे में, अब 1.5 घंटा जो है कैसे इसको मैनेज करें, तो अगर आपको नींद लेनी है तो आप 1.5 घंटे के मल्टीपल में लीजिए, जैसे कि 6 घंटे नींद लिया, 7.5 लिया, ठीक है, और 15 मिनट सोने का टाइम निकाल लीजिए कि आपको सोने में नींद आने में 15 मिनट भी लगेंगे, तो नींद को उस तरह से करिए। पॉसिबल हो तो रात को 4.5 घंटा और दिन में 1.5 घंटा ऐसे नींद को स्प्लिट किया जा सकता है, या रात अगर आप ज़्यादा सोना चाहते हैं तो दिन में 3 घंटा, रात को 4.5 घंटा, या रात को 6 घंटा और दिन में 1.5 घंटा। ठीक है, जैसे भी करें पर 1.5 घंटे के उसमें करिए। इससे क्या होता है, 1.5 घंटे के जब इंटरवल में आप उठते हो तो आपकी नींद कंप्लीट होती है, तो आपका ब्रेन फंक्शन करने के लिए तैयार होता है, ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप बिना सोए अपना काम खींच रहे हो पढ़ाई को कि चलो एक टॉपिक और ख़त्म कर लेता हूँ, उसका सिर्फ 20% आपके दिमाग में जा रहा है और वो यूजलेस है। उससे बेटर ये है कि नींद लेकर के आप 80% एफिशिएंसी से पढ़िए, कम टाइम में ज़्यादा हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन कम बिल्ड होगी, प्लस अच्छा खाना, बैलेंस खाना खाइए। हेल्दी डाइट का मतलब बैलेंस होता है। ठीक है, अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है तो बहुत दिक्कत है, अगर आपकी डाइट बैलेंस है तो भले आप कैसा भी खाना खा रहे हो, थोड़ा अगर आप ऐसा खाना भी खा रहे हो जो टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा, पर वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और ज़्यादा खाना जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है वो वैसे भी टेस्ट अच्छा नहीं करता, तो हमें वैसे भी उस चीज़ से दिक्कत होती, पर हमें वो भी मेंटेन करके चलना है। सिर्फ शुगर 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 कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने, ठीक है, कि चॉकलेट खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, बैलेंस करना है। ठीक है, तो इस, और मैंने कहा ना उसको रिवॉर्ड के लिए रखो, जो आपको अच्छा लगता है ना, टेस्टी लगता है, उसको रिवॉर्ड सिस्टम की तरह रखो। अगर आपको पेस्ट्री खाना पसंद तो ये नहीं कि हर रोज जाके पेस्ट्री खा रहे, ठीक है, कि आज मन करके चलो चलते हैं, नहीं, एक रिवॉर्ड सिस्टम बनो कि मैं ये टारगेट पूरे करूंगा 5 दिन में, तब मैं वो खाऊंगा जाकर, उससे आपके पैसे भी बचेंगे। ठीक है, और एक आपका खुद की एक अच्छी हैबिट भी आप डेवलप कर रहे हो। और सारा गेम, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे UPSC हो, सब कुछ हैबिट का होता है। आपने हर जगह सुना होगा कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान 5 बजे उठते हैं, फलाना करते हैं, सब कुछ ठीक है, वो हैबिट है उनकी, उनको वो काम नहीं लगता 5 बजे उठना, उनके लिए वो बहुत नेचुरल चीज़ है 5 बजे उठना, उनको उठना नहीं पड़ता है, वो अपने आप उठ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि हैबिट होनी चाहिए आपकी, जैसे बहुत चीज़ें आप अभी भी हैबिचुअली करते हैं, अपने आप होती है, आपको करना नहीं पड़ता उसे। ठीक है, जैसे कुछ लोग भागने में अच्छे होते हैं तो उन्हें करना नहीं पड़ता, वो नेचुरली उसमें अच्छे हो गए, उनकी हैबिट बन चुकी है वो। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हैबिट डेवलप करनी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ना कि ऐसे ही और वीडियोज़ में बनाओ, मोटिवेशन के अलावा और चीज़ों पर भी डिस्कशन हम करें, तो ज़रूर मुझे बताइए और जितना हो सके इसको शेयर करिए, क्योंकि ये नीट के लिए ही नहीं है, ये किसी भी तरह के कोई भी फील्ड का इंसान हो, किसी भी तरह टॉपिक के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें, और आप अगर देखोगे तो 5 मिनट से ज़्यादा या 10 मिनट से ज़्यादा आपके दिन का नहीं लेती ये चीज़ें। तो करिए, कम से कम 1 महीना इनको करिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ज़रूर शेयर तो ज़रूर करिए, जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए, फिर ऐसी और वीडियोज़ हम लेकर आते रहेंगे सब्सिक्वेंटली आगे। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए, स्पेशली इस पैंडेमिक के दौरान प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए, मास्क लगाना वगैरह, ठीक है, ताकि आपका जो सपना है वो ठीक है, पर अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहेगी तो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अभी, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल सारे फॉलो करके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।